श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान और अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं कपालीय तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती हैं। सामान्यतः इनके तंत्रिका तंत्र ज्ञानेंद्रियों सिर गर्दन तथा अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं से जुड़े होते हैं। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 होती है, जबकि हम अगले दिन का पढ़ चुके हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रेरक, पहला संवेदी, दूसरा प्रेरक, तीसरा है मिश्रित की होती हैं। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। मस्तिष्क भी उन फिर उसके बाद कार्यकारी अंगों को संदेश भेजता है। उसके बाद आपको पढ़ना है रीढ़ तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं मनुष्य में इकतीस जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। ए मिश्रित, मिश्रित होती हैं। प्रत्येक प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका अधर मूल तथा पृष्ठमूल से मूल से बनती हैं। इसमें पृष्ठमूल संवेदी तथा अधर मूल प्रेरक तंत्रिका
तंत्रिका तंतुओं से तंत्रिका तंतुओं तंत्रिका तंत्रों से बनी होती हैं इसमें हैं रीढ़ की तंत्रिकाएं। मनुष्य में 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। ये मिश्रित होती हैं और ये मिला हुआ मिश्रित होती हैं। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका अधर मूल से प्रत्येक मतलब हर एक तंत्रिका अधर मूल से तथा पृष्ठ मूल से बनती हैं। दो प्रकार की अधर मूल और पृष्ठ मूल दो से मिल करके बनती हैं। इसमें पृष्ठ मूल संवेदी इसमें पृष्ठ मूल जो होता है पृष्ठमूल जो है संवेदी इनका काम है सूचनाओं को ग्रहण करना संवेदी तथा अधर मूल प्रेरक ये तंत्रिकाओं के आवेग को भेजने का काम प्रेरक का काम करती हैं भेजने का और तंतुओं से मिल करके यह बनी हुई होती हैं। कौन रीढ़ की तंत्रिकाएं। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग आता है दूसरा नंबर हेडिंग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को उचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है यह तंत्र विलग रूप से कार्य करता है यह दूसरा नंबर हेडिंग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इनका काम क्या है
विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की अनैच्छिक, जैसे पलकों का बार बार गिरना यह भी अनैच्छिक है, हमारी इच्छा पर नहीं होता है, छींक आना, खांसी आना, उबासी आना और अच्छे भोजन को देख कर मुँह में लार आना, यह अनैच्छिक है। तो वही कह रहा है विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को उचित रूप से यानी बढ़िया ढंग से अच्छी तरह से उचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। यह तंत्र विलग रूप से कार्य करता है, यह तंत्र ही सिस्टम है जो मुख्य रूप से विलग यानी अलग रूप से कार्य करता है और इसके बाद इसी में है, किंतु अंतिम रूप से इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, किंतु अंतिम रूप से किंतु अंतिम रूप से किंतु अंतिम रूप से इसका नियंत्रण इनका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है, इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। किंतु अंतिम रूप से इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज होते हैं जो मुख्य होते हैं, वही कह रहा अंतिम रूप से किंतु अंतिम रूप से इसका नियंत्रण कंट्रोल केंद्रीय तंत्रिका यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु तंत्र द्वारा ही होता है।